नाबी मोहतरम अब्दुल कादिर साहब जो बड़े प्यारे अंदाज में नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे, बड़ा अच्छा कलाम जावेद भाई का उन्होंने पढ़ा। और एक दिल की लगाव ये थी, उनकी दिली तमन्ना ये थी कि पुलाले मदीने में आका। तो हजरात तमन्ना उनकी यही थी, किसी ने कहा था कि मदीना 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 रहेगा, भवर में सलामत सफीना रहेगा, बुलाएंगे मदीने को उसी, बुलाएंगे मदीने में उसी को आका जो बेचैन वाला मदीना रहेगा, जो बेचैन वाला मदीना रहेगा। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। सुस्ती से काम नहीं चलेगा, फुर्ती से काम चलेगा। आपने अभी माशाल्लाह पेट भरकर खाना खाया होगा, उसका हक अदा कर दो। ऐसा मौका कभी कभी मिलता है, वरना कैसी कैसी महफिलों में जाकर के बैठते हैं हजरात। आज के माहौल से आप और हम वाकिफ हैं कि देखो अब जो है किस तरीके का माहौल चल रहा है। मोबाइल का दौर चल रहा है, इंटरनेट का जमाना चल रहा है। अगर यहाँ कोई ऐसी महफिल होती तो हमारे भाई कितने नजर आते। अगर इसी मजमे इसी स्टेज पर कोई और तरीके का प्रोग्राम होता तो यहाँ जगह भी नहीं मिलती। ये नबी की महफिल है, इसलिए लोग कम सुनने के लिए आए, उनके कम नसीबी है। वो खुश नसीब है जो इस नबी के जलसे में आए हैं। हजरात इंटरनेट चल रहा है, कोई अपनी कोई अपने दरवाजे पर बैठा होगा, कोई गली कूचे पर बैठा होगा, कोई चौराहे पर खड़ा हुआ मोबाइल चला रहा होगा। दोस्तों ये जियो का 4G आएगा और जाएगा, जियो का 4G आएगा और जाएगा, 2G 3G तुम्हें टेंशन दिलाएगा। अच्छा टेंशन पैदा हुई नहीं हुई? कुछ दिन पहले कि 200 कुछ रुपए का था जियो का जो प्लान था, मोबाइल में करवाते थे नेट पैक, तो वो 200 से कुछ ऊपर का था, मगर उसके बाद 450 पर पहुंच गया है। और उसमें बड़ी महंगाई हो गई, मगर फिर भी हमारे भाई जो है देखिए मोबाइलों में कितनी महंगाई हो जाए, मगर फिर भी नेट की मेमोरी फुल मिलती है, मगर दिमाग की मेमोरी फुल नहीं है। हजरात दिमाग की मेमोरी फुल होती तो आज नबी का इतना बड़ा जलसा सजाया है, वो आन करके वो नेट को नहीं देखते, आज यूट्यूब फेसबुक को नहीं देखते। इसलिए कि यार हम रोजाना नेट तो चलाते रहते हैं, फेसबुक तो चलाते रहते हैं, यूट्यूब ट्विटर तो चलाते रहते हैं, मगर आज तो हमारी बस्ती के अंदर नबी का जलसा सजाया गया है। यहाँ नबी के मेहमानों को बुलाया गया है, यहाँ आलिम दीन आए हैं, बड़ी बड़ी दूर से तकरीर करने वाले आए हैं, जिनकी तकरीरें नेट पर पूरी दुनिया सुनती है, वो तकरीर करने वाले आए हैं, वो शायर जिनकी दुनिया पूरी नात सुनती है नेट के जरिए, वो शायर यहाँ आए हुए हैं हजरात अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग कम नसीब हैं जो नहीं आएंगे आज के जलसे में, आज वो बड़े खुश नसीब हैं जो आज के इस जलसे में आन करके बैठेंगे। जरा आप लोग मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। सुनो जियो का 4G आएगा और जाएगा, 3G 2G तुम्हें टेंशन दिलाएगा। सजा लो इश्क नबी दिल के कंप्यूटर पर, ये डाटा तुमको कयामत में काम आए, ये डाटा तुमको कयामत में काम आएगा। सजा लो इश्क नबी दिल के कंप्यूटर पर, ये डाटा तुमको कयामत में काम आएगा। और है बड़े बिगड़े हुए हालात इंटरनेट पर, कर नेट ही चलाने का इतना शौक है तो सर्च कर लीजिए नबी की नात इंटरनेट पर, तो सर्च कर लीजिए नबी की नात इंटरनेट पर। और सुनो नेट ने हर काम से आजाद करके रख दिया, एक नए सरदर्द का ईजाद करके रख दिया। फेसबुक व्हाट्सएप ने आज के इस दौर में नौजवानों को मेरे बर्बाद करके रख दिया, नौजवानों को मेरे बर्बाद करके रख दिया। जरा मेरे दोस्तों होश से काम लो, ये जिंदगी 4 दिन की है कोई पता नहीं। मुनव्वर राना ने कहा था हजरात, अभी हम कुछ देर पहले हम जिक्र करते हैं किसी का, यार हमने देखा था अभी कोई नूर के त्राहे पर बड़ी अच्छी तरीके से, यहाँ से हमारी दुकानों हम दुकानों के आगे बैठे हुए थे, अभी पल्सर गाड़ी पर और जो है वो हमने देखा था स्कूटी पर, अब बड़ी तेजी से गया था। कोई कहता है नहीं साहिब तुम क्या कैसी बातें करते हो, अभी अभी मैं देख के आ रहा हूँ उसकी लाश पड़ी हुई है। कहा क्या मतलब? बोले एक मारुति फॉर्च्यूनर आई, उसका एक्सीडेंट करके चली गई। तो साहब ये जिंदगी का कोई पता नहीं है मेरे दोस्तों, कब मौत का फरिश्ता पैगाम लेकर के आ जाए। अरे इस दुनिया से जाओ तो दिलों को साफ करके जाओ, दिलों पर जो जंग लगी हुई है, ये जंग जो लगी हुई है दिलों पर, इनको साफ कर लो, रूह को ताजगी बख्श लो, रूह को रूह के अंदर एक ताजगी पैदा कर लो, और अपने जिस्म को जो है तरोताजा कर लो, और तुम्हारी कमाइयों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ऑटोमेटिक की बरकत पैदा करेगा। इसलिए नबी के जलसे में आओगे, नबी की हदीस से पाक सुनोगे, अल्लाह के फरिश्ते गवाह हो जाएंगे, मेरे मौला जब मैंने देखा
गुनाहों की गठरी, गुनाहों की पोटली इसके सर पर रखी थी, मगर नबी के जलसे से जा रहा है तो ऐसे लगता है कि जन्नत का टिकट लेके जा रहा है, जन्नती बन के जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, नेट ने हर काम से आजाद करके रख दिया, एक नए सरदर्द का ईजाद करके रख दिया। फेसबुक व्हाट्सएप ने आज के इस दौर में नौजवानों को मेरे बर्बाद करके रख दिया, नौजवानों को मेरे बर्बाद करके रख दिया। इस जिंदगी का कोई पता नहीं। कोई कहता है कि नहीं नहीं साहब, आपको अभी 50 साल जीना है। अरे तूने क्या इसकी खबर ले ली मेरे भाई, अभी तो 20 साल की उम्र है, क्या पता इसको अभी मौत आ गई। कोई पता नहीं, 10 साल में भी मौत आ सकती है, 20 साल में भी मौत आ सकती है, 25 साल में भी मौत आ सकती है, 50 साल में भी आ सकती है। ये तो खुदा की कुदरत है। खुदा ने जब उसका टाइम लिख दिया है मौत का, जब ही उसकी मौत आएगी, मेरे प्यारे तूने कैसे फैसला कर लिया। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है। कोई भरोसा है जिंदगी का? जब मौत का फरिश्ता आ जाता है उसके चुंगल में, जब फंस जाता है ना इंसान, फिर उसकी सांस रुक जाती है। सब घर वाले तड़पते हुए रह जाते हैं, अहबाब रिश्तेदार पर तड़पते हुए रह जाते हैं। हजरात, इंसान की रूह उसकी जो है निकल जाती है, कफर उनसरी से बर्बाद हो जाती है। और जब मौत का फरिश्ता दरवाजे पर आ जाता है तो हजरात वो टलता नहीं है। मौत का अटल फैसला है, जिस वक्त जहां लिख दिया है मौत वहीं आनी आना है। हजरात, तो आज हमें डरना चाहिए, हमें अपने वकार को अच्छा करना चाहिए, अपनी नॉलेजों को अच्छा करना चाहिए। आज हम होश की दवा पीने के चक्कर में नहीं है, आज हम पता नहीं कैसे कैसे नशे के आलम में घूम रहे हैं। आज हमारे मोहल्ले के अंदर, पड़ोस के अंदर, गांव के अंदर प्रोग्राम सजाए जाते हैं। नबी की हदीसे मौलाना साहब या इमाम साहब मस्जिदों में सुनाते रहते हैं, मगर आज हमारे कान तक तो आवाज आती है, दिलों पर असर नहीं करती है। इसलिए हमारे करेक्टर अच्छे नहीं रहे, आज हमारे वकार अच्छे नहीं रहे। हम चुगलियों में हम नजर आते हैं, ताश के पत्तों में हम नजर आते हैं, जुआ खेलते हुए हम नजर आते हैं। ये अपना करेक्टर बदलो साहिब, इस दुनिया से जाना है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है। छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। और लड़कपन में किए वादे की कीमत कुछ नहीं होती, लड़कपन में किए वादे की कीमत कुछ नहीं होती। अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। आज का माहौल तो ये है। और किसी ने कहा था कि जब तसव्वुर में हुआ रोशन अकीदत का चिराग, मोहब्बत से कहो सारा मजमा हाथों को डाकर सुभान अल्लाह। जब तसव्वुर में हुआ रोशन अकीदत का चिराग, चल उठा दहलीजे दिल पर उनकी मिदहत का चिराग, चल उठा दहलीजे दिल पर उनकी मिदहत का चिराग। और जितने जाली पीर थे सबके दिए गुल हो गए, जितने जाली पीर थे सबके दिए गुल हो गए। देखकर मेरे ताज शरिया की विलायत का चिराग, देखकर मेरे ताज शरिया की विलायत का चिराग। इन्हीं जुमलों के साथ बड़ी अच्छी तकरीर करने के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम दिया है उनको। 10 मिनट में बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपको सुननी है, बहुत अच्छी तकरीर सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए। मैं बड़े भाई करम फरमा खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना कारी मोहम्मद रफी को पेश करने के लिए जा रहा हूँ। वो माइक पर आए अपने बेहतरीन खिताब से हम सामईन के कुलूफ को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आइए अपने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल नारा तकबीर और रिसालत से करें। बुलंद आवाज से नारा लगाए, जी लगाकर नारा लगाइए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने आला हजरत, उर्से आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। ए मेरे दोस्त, तेरी उल्फत के तलबगार बहुत हैं। ए मेरे दोस्त, तेरी उल्फत के तलबगार बहुत हैं। कुछ लोग हैं इस पार तो उस पार बहुत हैं, और जिस शहर में शीशे की दुकान खोली है तुमने।